Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्सटाइल अनामिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये जिन्हें ज़्यादा मेकअप नहीं करना पसंद है, मॉडर्न लुक पसंद है, उनके लिए ये करवा चौथ मेकअप लाई हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ, चाहे आप फेस वॉश करके आओ या कुछ, लेकिन फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके बाद मैं रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ टोनर के जगह पर। रोज़ वाटर स्प्रे करके एंड डैब डैब करके ऐसे आपको पोर्स के अंदर, मतलब स्किन के अंदर ले जाना है, ताकि पोर्स मिनिमाइज हो, मतलब स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रहे। एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं वाओ का एप्पल साइडर विनेगर, ये मॉइस्चराइज़र है, उसे मैं लगा रही हूँ। एंड अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लो। मॉइस्चराइज़र के बाद आप 5 मिनट वेट कर लेना, तब तक मैं आईब्रो फिल कर ले रही हूँ, क्योंकि वेट करना चाहिए, तभी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फ्लॉलेस रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है। तब तक मैं आईब्रोस वो फिल कर ले रही हूँ। पैक कॉस्मेटिक की आईब्रो जेल है, काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी आईब्रो नेचुरल सी नहीं है, इधर उधर है, तो प्लीज़ इसे ट्राई करना, काफ़ी अच्छी वाली है। एंड यहाँ पे देख रहे हो आप, कॉर्नर पे मैं आर्च शेप बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेके आपको एक ड्रॉ करना है लाइन एंड उसको फिल करना है। जिस शेप में आपका आईब्रो है, उसी शेप में आपको फिल करना है। एंड मैंने यहाँ पे ये साड़ी पहनी हूँ, एंड जिस तरह से स्टाइल की हूँ वैसे आप स्टाइल कर सकते हो, अच्छा लगेगा काफ़ी। एंड इसके बाद पर्पल का ये प्राइमर है, 24 कैरेट गोल्ड इसका नाम है, तो इसे मैं डैब डैब करके आपको पोर्स के अंदर फिल करना है। आपको ऊपर से फ्लॉलेस मेकअप रहे, मतलब वो स्किन हो जाए एंड इसके अंदर ना जाए, स्किन के अंदर कुछ भी, इसलिए हम लगाते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को इन्हेंस कर रही हूँ कंसीलर लेकर के। स्विस ब्यूटी के कंसीलर है ये, कंसीलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर वीडियो में यही करती हूँ। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मैं इतनी गोरी हूँ, पता है मेरे सेट की जल्दी मिलती ही नहीं रहती है कोई भी चीज़, थोड़ा सा डाउन ही रहता है। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से उसे सेट कर लो आप अच्छी तरह से। इसके बाद मैं आई मेकअप के लिए वही कंसीलर, सेम कंसीलर मैं आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड उसे भी अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करना है आपको। सेट नहीं करोगे तो क्रीज पड़ जाएगा। एंड इसे सेट कर ली हूँ। इसके बाद मैं कोई भी लूज पाउडर, ये शुगर का लूज पाउडर है, उससे मैं सेट कर ले रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा लगा के। एंड इसके बाद ब्रश से मतलब क्लीन कर दूँगी मैं, देख लो आप। हाँ, इस अब क्या होगा कि क्रीज नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई शेडो पैलेट ली हूँ, क्या इसका नाम है, भूल जाती हूँ नाम गाइज। एंड काफ़ी अच्छा ये है, काफ़ी अच्छा मतलब पैलेट है। इससे आप आउटर कॉर्नर पे बिल्कुल लाइट पिंक पहले, सबसे पहले आपको लेना है, आउटर कॉर्नर से शुरू करना है, क्रीज एरिया पे पहले लगाना है आपको। एंड उसके बाद थोड़ा सा डार्क, देखियो आप, दोबारा वो ली हूँ एंड अप्लाई करके उसके बाद आपको एक क्लीन ब्रश लेना है, क्लीन ब्रश करके एंड क्रीज एरिया पे आपको ब्लेंड करना है, ताकि ब्लेंडेबल दिखे, हार्श लाइन ना दिखे। इस वजह से देखो, मैं प्रोडक्ट उस ब्रश से नहीं ले रही हूँ, दूसरे ब्रश से लगा रही हूँ, एंड क्लीन ब्रश से मैं वो क्रीज पे ब्लेंड की हूँ। आप लोगों को क्लियर अच्छी तरह से समझा दे रही हूँ। एंड इसके बाद मैं क्रीज कट कर रही हूँ वही कंसीलर लेकर के, सेम आपको अच्छी तरह से एक फ्लैट ब्रश ले लो आप, पतला सा, बिल्कुल छोटा सा, एंड कंसीलर कम कम अमाउंट में लेके आपको हाफ क्रीज कट कर रही हूँ मैं इनर कॉर्नर पे, क्योंकि मेरी साड़ी का ब्लाउज जो था वो येलो था, और आपने देखा ही होगा कि किस स्टाइल में मैं ब्लाउज सिलाई हूँ। एंड जिन्हें ऊपर ही पसंद है आधा पे पहनना, तो पहन सकते हैं, मुझे नहीं पसंद है, पूरा ढका हुआ चाहिए मुझे, गला भी नेक भी इसका बड़ा है, नहीं तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ब्लाउज वगैरह कंफर्टेबल रहती हूँ मैं, पूरा भरे भरे, मतलब गला ऊपर तक रहे थोड़ा इनका, जिनसे सिलवाई मैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा नीचे रहने दो, तो मैं रहने दी हूँ। एंड इसके बाद मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर दी हूँ कंसीलर को। जब भी आप क्रीज कट करो तो ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लो। एंड इसके बाद मैं येल्लो कलर लेके, ये ज़्यादा मतलब वो नहीं था पिगमेंटेड कलर, क्योंकि मैं बार बार लगा रही थी फिर भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं उसी पैलेट में से येलो कलर लेके एंड जहाँ पे क्रीज कट की हूँ
वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो बार बार लो जैसे मैं ले रही हूँ। एंड एक आप क्लीन ब्रश जो लिए थे उससे आप क्रीज पे पूरा ब्लेंड कर लो ताकि ब्लेंडेबल दिखे थोड़ा सा। एंड इसके बाद दूसरा ये पैलेट है निका के, कुछ ऐसा नाम है इसका, उसमें से मैं ये येल्लो सिमर टाइप था, बिल्कुल लाइट ही येल्लो पिगमेंटेड था तो इस वजह से लगाई हूँ, क्योंकि पहले जो कलर लगाई थी येल्लो वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं था, इस वजह से तो हो गया अभी फ़िलहाल थोड़ा आई मेकअप। अब मैं बेस करूँगी क्योंकि बहुत सारे फॉल आउट भी हो गए उसे क्लीन करके। एंड उसके बाद मैं एक्टी का ये डीडी क्रीम लगा रही हूँ। डीडी क्रीम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं एक दिन पहले ही वो फाउंडेशन लगा के आपको मेकअप लुक शेयर की थी। एंड मैं डेली डेली फाउंडेशन अपने फेस पे नहीं लगा सकती, मुझे मतलब मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो इरिटेट कर जाता है, मतलब अच्छा नहीं रहा, तो उस वजह से मैं डीडी क्रीम, आप चाहो तो ये भी लगाओ, ये हमारे स्किन को साथ मेकअप भी कर रहे हैं हम, एक वो भी मिल रहा है एंड उसके बाद रिपेयर भी करता है तो अच्छा रहता है ये। अगर आपको डेली फाउंडेशन लगाना होता है, कहीं ऑफिस जाना होता है, तो उसके जगह पे आप ये ट्राई करो प्लीज़ एक बार। एंड इसे मैं डॉट डॉट करके पूरे में अप्लाई की एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ली अच्छी तरह से। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर वही स्विच ब्यूटी की कंसीलर लेके एंड इसे यहाँ जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को, नोज ऑफ द ब्रिज, चीक्स पे जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरत है मुझे, इसे भी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप ज़रूर प्लीज़ ये लुक ट्राई करना। ये लुक ऐसे भी गर्ल्स वगैरह जो शादी वादी में जाना है, कहीं साड़ी पहनना है आपको तो वो कर सकती हो, एंड नाइट पार्टी में जाना है, कहीं डिनर पे जाना है तो ऐसे मेकअप करके सिंपल आप जा सकती हो। तो जिन्हें ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है उनके लिए ये मेकअप अच्छा है, करवा चौथ पे आप ट्राई करो ज़रूर। एंड इसके बाद नायका का ये कॉन्टोर स्टिक है, उसे ली हूँ। मुझे क्रीम कॉन्टोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा फेस जो है बिल्कुल मतलब राउंड सा है तो उसको शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, और थोड़ा डार्क कॉन्टोर करना मेरे फेस को ज़्यादा ज़रूरत है। जिनका फेस है वैसा पतला सा मतलब उसी शेप में तो वो कम भी कर सकते हैं, पाउडर कॉन्टोर पर भी चलेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुझे पसंद भी है ज़्यादा। ये कॉन्टोर जहाँ जहाँ लगाना चाहिए वहाँ वहाँ मैं कॉन्टोर कर ली हूँ। आज थोड़ा लिप्स को भी कॉन्टोर करी हूँ मैं, ट्राई करके देखी। जब मैंने मेकअप सीखा था तो वहाँ पे बताया गया था कि लिप्स को भी थोड़ा कॉन्टोर कर, तो मैं देखी हूँ करके, वही काफ़ी दिन हो गए तो उस वजह से ट्राई की हूँ। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके आपको ब्लेंड करना है अच्छी तरह से, जो प्रोडक्ट जहाँ पे है वहीं पे आपको ब्लेंड करना है। इसको अंदर के तरफ जॉ लाइन पे जो कॉन्टोर होता है उसे अंदर के तरफ की हूँ एंड हो गया है। देखो आप कितना अच्छा हुआ है, सिंदूर देखो पूरे में फैल गया, कोई कोई सिंदूर में काफ़ी कलर रहता है ना, तो मैं पहले ही सिंदूर लगा ली थी। एंड उसके बाद मैं ये स्विच ब्यूटी की पैलेट है इसमें से पाउडर कॉन्टोर लेके पूरे में उसके ऊपर अप्लाई की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है आप क्रीम कॉन्टोर के ऊपर पाउडर कॉन्टोर लेके सेट करो उसे, नहीं तो ज़्यादा दिन देर नहीं रहता है। एंड इसके बाद मैं ये किसका है, शुगर का ब्लश है, ब्लश स्टिक, इससे काफ़ी नेचुरल लुक आता है, अच्छा भी लगता है, तो मैं ये ब्लश लगा रही हूँ। देखो कितना अच्छा है, पीछे से देखो मेरा बेटा आ रहा है जब भी मैं रहती हूँ, देखो 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 कैसे कैसे मुंह बना के आता रहा। मैं उसे डांटती नहीं हूँ, आने देती हूँ वहाँ पे बात करता रहे, क्योंकि वो अकेले रहेगा कहाँ पे, पापा तो रहते हैं इंस्टीट्यूट पे तो मैं ही उसके साथ रहती हूँ। एंड यहाँ पे शुगर का मैं लूज पाउडर वाइट है वो लाई हूँ, एंड मैं इसे बेकिंग कर रही हूँ अपना अच्छी तरह से, जहाँ जहाँ पे हाईलाइट एरिया है वहीं पे लगा रही हूँ, कॉन्टोर वाले एरिया पे मैं नहीं लगा रही हूँ। एंड इसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, मेबलिन का ये रोज़ गोल्ड हाइलाइटर शेड है। मेरा बेटा वहीं पे साइड में रहता है, कभी कभी आता है देखने कैसी लग रही हो कैमरे में। एंड हाईलाइट कर ले रही हूँ चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज एंड ब्राउ बोन के कॉर्नर पे भी, वहाँ पे भी करना है आपको हाईलाइट, काफ़ी अच्छा आता है ब्राउ भी देखने में एंड आई लुक भी थोड़ा इन्हेंस होके आता है, अच्छा लगता है काफ़ी। एंड आई के कॉर्नर पे भी आज मैं लगाई हूँ, वहाँ पे सब लगाते अच्छा लगता रहता है। और नाइट का ये मेकअप होता है तो आप जितना चाहो उतना हाईलाइटर लगा सकते हो, कोई वो बात नहीं है। तो एंड इसके बाद मैं यही बार बार, मुझे मैं इसलिए हंस रही थी कि यही मतलब मुझे बार बार पसंद आता है आईलाइनर, आप लोग कहोगे यही सेम लेकिन है और भी, लेकिन मुझे पता नहीं लगाना यही पसंद आता है, अच्छा लगता है।
तो इससे मैं एक साफ विंग बना रही हूँ, थोड़ा लॉन्ग विंग आज, तो विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये शायद सूख गया है, बार बार लेना पड़ रहा है। एंड जब आप वो लगाओ, क्या कहते हैं, आई शेडो लगा होता है तो उस पर आईलाइनर लगता भी नहीं रहता है, तो इसलिए आप जेल आईलाइनर लगा लिया करो, अच्छा रहता है। एंड इनर कॉर्नर पे आप देख रहे हो, ये ऐसे वी शेप में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं गाइज, ध्यान नहीं आ रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आई आई लुक। अब मैं नीचे काजल लगा रही हूँ, आज काजल भी अप्लाई की हूँ। मुझे जब काजल अप्लाई कर लेते तो ऐसा लगता है कंप्लीट है लुक, ऐसा काजल नहीं अप्लाई, आदत सी हो गई है काजल अप्लाई करने की। एंड मैं फिर से वही पिंक वाली डार्क पिंक शेड जो है वो लेकर के एंड काजल के नीचे स्मच कर रही हूँ ताकि स्मोकी लुक आए। ये तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, बिना इसके सिर्फ काजल लगा लो तो लगता ही नहीं मेकअप किया हम, तो बहुत ज़रूरी है। ये भी कर ली हूँ मैं। अब मैं अपने लिप्स को लिप लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। गाइज एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे जैसे मतलब देखना, आप अभी लिप लाइनर ड्रॉ की हूँ तो ऐसे कलर की लिपस्टिक मेरे पे बहुत अच्छी लगेगी, जैसे कलर का मेरा नेचुरल लिप्स है देखो। एंड ये शुगर का 24 कुछ ऐसे नाम है, शेड है, हॉट पिंक है एकदम, काफ़ी अच्छा शेड है इसका। ये लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे साड़ी से मैच कर रहा था। एंड आप न्यूड भी रख सकते थे लिपस्टिक, लेकिन मैं लिपस्टिक मैं पिंक ही रखी हूँ, हॉट पिंक, क्योंकि करवा चौथ मेकअप है। एंड सेंटर पार्टीशन करके मैं सिंदूर लगा के ऐसे मेकअप की हूँ, हेयर ओपन ही रखी हूँ। मेरा मन हो रहा था साइड पार्टीशन करे, बट नहीं की। इसके बाद ये इयररिंग्स डाली हूँ मंगलसूत्र है गले में, बस इतना ही। इस लुक में मैं काफ़ी प्यारी प्यारी सी रील बनाई हूँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में है। ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोग को पसंद आए। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।